Please give an energetic and warm welcome to the one and only Nitesh Rajput. Please, thank you. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज से काफ़ी टाइम पहले मैं जॉब करता था, और जैसे हर कोई जब जॉब करता तो सोचता है कि स्टार्टअप शुरू करेगा, धीरे धीरे करके पैसा आएगा एक दिन। ये मेरा मिसकंसेप्शन था जब तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी थी। उस वीडियो में आपने पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल लिया था, और उसका एग्जाम्पल लेके आपने बताया था कि बिजनेस पैसे से होता ही नहीं है, आपको स्किल देखनी पड़ेगी। और वो जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था वो एक बच्चा भी कर सकता है उसको देख के, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया और विद इन 6 महीने मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ मैं उस चीज़ में भी, तो मैं आपको उसके लिए पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा। हाउ इज़ दैट बिजनेस गोइंग? क्योंकि उसके बारे में मेरे को नहीं पता, आई एम श्योर और भी लोगों को भी नहीं पता होगा। या पता है? ठीक है, अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं, अभी पहली बार ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार बता रहे हो। वो तो चल रहा था यूट्यूब में, तो ऐसे ही आ गया था मैं कि लॉकडाउन था, काम ज़्यादा था नहीं, तो वीडियो बनाना चालू कर दिया। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो पावर रहती है वो लोगों के हाथ में रहती है। अब आपको इन्फॉर्मेशन ही अगर गलत मिल गई तो चीजें बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है। आपको लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, लेकिन आपसे वोट डलवाया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दी जाती है, तो फिर आपको लग रहा है कि आप वोट दे रहे हो लेकिन वोट कोई और डलवा रहा होता है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी की लड़ाई है, और हम उसी पर बात करते हैं। ये